हे गाइस वेलकम टू माय चैनल इवरॉक्सिंग वुमेन्स चैंपियंस लीग का मैच हो रहा है रोजन गार्ड वुमेन्स वर्सेस बेन मुनिश वुमेन के बीच तीन घंटे चौलीस मिनट के बाद तो बात करें ये मेरा मतलब टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ और गाइज हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोस्ताहित नहीं कर रही वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ और नॉलेजेबल है बढ़ते हैं आगे बात करें अगर हम इस मैच की तो यहाँ पर रोजन गार्ड और बेर मुनिश में जो मैच होने वाला है इसके अंदर मैं फेवर करूँगा बे मुनिश को एंड बेआर मुनिश इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम बाकी रोजन गार्ड को भी हल्के में मत लेना एक आधा गोल वो भी कर सकते ते हैं मतलब इस चक्कर में मत समझना क्योंकि कई मैचेस होते हैं जो वुमेन के जीरो जीरो छ जीरो आठ के स्कोर से भी जीत जाती हैं लेकिन इसमें ये मत समझना देखो मैं ये नहीं कह रहा बेन मनीष बहुत तेज टीम है लेकिन रोजन गार्ड का एक आधी प्लेयर ऐसी लेना जो गोल करते हैं जैसे कि पहली प्लेयर है इनकी ओलिविया ओलिविया को मैंने जान पूछ कर लिया ओलिविया इज़ अ पेनल्टी टेकर साथ ही साथ गोल भी करती है अगर मतलब मौका लग जाए तो मिस नहीं करती मतलब ऐसी थोड़ी सी स्ट्रॉग प्लेयर है एज़ कंपेयर टू जवेंटर स्ट्राइकर मतलब उनसे बैटर तो नहीं है इतना तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक है मतलब किसी बड़ी टीम में होती तो अपना नाम कमा सकती थी आगे से अगर बात करें पिछले मैच की हमारी कैप्टन क्लारा बल जो कि किसी की भी टीम में नहीं थी क्लारा बल के बलबूते पर हम मैच जीते थे आपको याद होगा चार मिडफील्डर हम लेके उतरे थे और तीन मेरी डिफेंडर्स थी जिसके अंदर मेरी कैप्टन थी ये और स्कलर भी हम लोग की टीम में थी स्कलर भी एक की प्लेयर का रोल अदा कर रही थी बट आज नहीं दिखने में छः परसेंट सिलेक्शन ज़रूर है लेकिन लोग इसको लेंगे क्योंकि ये जान के सिलेक्शन कम बताते हैं कि लोग लेना तो जान के ना मैंने ये चीज़ देखी है इसलिए कभी भी सिलेक्शन को तो देखो ही मत मैं देखता भी नहीं मैं सिर्फ प्लेयर उठाता हूँ आगे से अगर बात करें स्टैनवे की तो यहाँ पर स्टैनवे बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी बट मैंने देखा कि दो तीन बार से बढ़िया प्रदर्शन नहीं दे रही जब से इस वुमेन ने पाँच असिस्ट और एक आधा गोल किया था एक ही मैच में तब से चल नहीं रही मतलब स्टैनवे की मैं वेट कर रहा था कि कुछ अच्छा करे अपन लोग तभी भाई कैप्टन रख रहे थे लेकिन अब थोड़ा रिस्क लग रहा है अब डर आते रखने में कि भाई चले ना तो मुश्किल हो जाएगी इसलिए स्टैनवे को मैं आपको राय दूंगा कि अगर आप बैकअप टीम के साथ खेलते हो ना मतलब मान लीजिए आपने बीस कॉन्टेस्ट लगाए हैं या मान लीजिए आपने दस कॉन्टेस्ट लगाए हैं दस में से आपने छः कॉन्टेस्ट लगाए हैं रिस्की टीम के साथ चार सेफ के साथ तो आपका लॉस नहीं होगा इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ हद तक बैकअप पे जाया करो जैसे मैं बैकअप पे जाता हूँ कई बार मेरी टीम बुरी तरीके से भी हार जाती है आज सुबह की बी भी मेरा इतना अच्छा नहीं किया मैं रिस्क बहुत तगड़ा लिया होता एंड मैं काफ़ी मार्जिन से हारा मतलब पचास साठ मार्ज पॉइंट्स के मार्जिन से हारा लेकिन फिर भी अपन ने लॉस नहीं होने थे क्योंकि मैं एक बैकअप टीम के टीम के साथ उतरा हुआ था बट आप बोलोगे कि हमें भी बैकअप दिया करो तो गई बैकअप टीम में इसलिए पोस्ट नहीं करता फिर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इसलिए मैं एक ही टीम पोस्ट करता हूँ रिस्की बट बैकअप आप खुद से बना सकते हो जो मैं ऑप्शन देता हूँ आगे से बात करें पैरसन की मियाँ पैरसन एंड स्प्रंग स्प्रंग जो प्लेयर है ये ख़ास नहीं है मैं आपको क्लियर बोल दूँ स्प्रंग की जगह अगर आप डिफेंडर लेना चाहें ले सकते हैं बट पर्सन को ड्रॉप मत करना क्योंकि पर्सन इज़ अ मेन प्लेयर और आगे से अगर बात करें मगुल की तो मगुल ने लास्ट मैच के अंदर एक गोल एक असिस्ट किया था और अठारह परसेंट सेलेक्टेड थी तो मगुल के साथ जरूर जाना क्योंकि देखो लॉमैन भी अच्छी है बट लॉमैन को नहीं ले पा रहे अब पिछले मैच में असिस्ट किया था अब क्या करें देखो सबको तो नहीं ले सकते आगे से अगर बात करें सिमन की सिमन कितना अच्छा खेली थी लास्ट मैच और कुमा गई की बात करें कुमा गई ने लास्ट मैच नहीं खेला था बट शी वॉज फ़िट ये खेल सकती है आज का मैच आज का खेलना चाहिए एंड जी पैरला की बात करें ब्लॉडिस पैरला को लेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये नहीं खेलेगी तो इसकी जगह आप एम रोल को फटाफट से ले लेना मैं ये आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो सब्ची को आज तक आज मतलब कोई भी नहीं लेता इस मैच में एंड आगे से अगर बात करें मिका की देन टीगन मिका को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ तो मतलब मिका ही बनती है हालाँकि अगर पेनल्टी वेनल्टी का चक्कर हुआ भी तो भी मतलब मैं तो यही लूँगा अगर मुझे पता भी होता कि अगर सामने वाली प्लेन सामने वाली टीम की अगर ये स्ट्रॉग है जैसे कि एम लूइजा बहुत स्ट्रॉन्ग है बट मैं नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है सबसे और आगे से बात करें कैप्टन की माई कैप्टन वॉज बल वाइस कैप्टन आप रख सकते हैं स्टैनवे को बट अगर स्टैनवे के साथ अगर आपने बैकअप पर जाना है देन गो विद स्कलर क्योंकि स्कलर फिर ज़्यादा फा बेटर है उससे ठीक है तो ये भी अच्छी ये बहुत अच्छी टीम है बाकी स्टैनवे के साथ भी जा सकते हो बट मैं थोड़ा कन्फ्यूज मैं सोचूंगा अभी मैं किसी के साथ पक्की नहीं कर रहा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय